सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके आप सभी लोगों के लिए मैं आ चुका हूँ। सो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज की अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने रोहित खत्री भाई के बारे में। एंड गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अब ऑलमोस्ट 28 डेज बाकी है सेरू क्लासिक के लिए, तो उनके रिगार्डिंग भाई उनका रिसेंट का जो फिजिक अपडेट है वो गाइस आ चुका है। एंड यहाँ पे उन्होंने अपना कंप्लीट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया है, जिसमें आप लोग सबसे पहले उनकी बैक की प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है या फिर आप लोग बोल सकते हो कंडीशन में आते जा रहे हैं। एंड फ्रंट साइड से भी आप लोग देखोगे तो अभी भी काफी अच्छे दिख रहे हैं रोहित खत्री भाई। एंड डेफिनेटली गाइस, रोहित खत्री में आपको प्रीवियस ईयर से तो चेंजेस देखने को मिलेंगे, इंप्रूवमेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग को इनका ये वाला जो अपडेट है वो आप लोग को कैसे लगा, एंड आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है अपने रोहित खत्री भाई से कि इस बार वो किस तरह का धमाका कर सकते हैं एंड कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो ओवरऑल इस बार के सेरू क्लासिक के अंदर, आप लोग अपने अपने थॉट्स को मुझे कमेंट सेशन के अंदर बता देना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज के अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं भुवन चौहान भाई के बारे में। तो गाइस, भुवन चौहान आउट हैं 3 डेज ऑप्टिमम क्लासिक से, सो उसके चलते गाइस उन्होंने अपना प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक अपडेट है उसको गाइस शेयर कर दिया है। आप लोग देख सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में जो अपने भुवन चौहान भाई है वो किस तरह के दिख रहे हैं, उनकी बैक प्रेजेंट टाइम में किस तरह की दिख रही है। एंड गाइस, आप लोग को जान के ये हैरानी होगी कि भुवन चौहान भाई ने अपने इस अपडेट को स्टोरी में फ्लैट बोला है लिटरली, एंड उसके बाद में बोलते हैं कि इसको फिल करने का टाइम आ चुका है। बाकी गाइस, आप लोग क्या लगता है कि ऑप्टिमम क्लासिक के अंदर भुवन चौहान भाई किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाले ओवरऑल, एंड उनके प्रेजेंट टाइम की जो फिजिक या फिर आप लोग बोल सकते हो कंडीशन है वो आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेशन के अंदर अपने अपने थॉट्स को बता सकते हो। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने राजाजीत भाई के बारे में। तो गाइस, राजाजीत ने अपने प्रेजेंट टाइम में ये वाला जो अपडेट है वो गाइस शेयर किया है। एंड लिटरली जब उन्होंने शेयर किया था तो भाई एक टाइम को सडनली देख के मैं शॉक्ड हो चुका था कि भाई इतना ज्यादा मसल डाउन आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा इसमें वो स्मॉल देखने को मिलेंगे। लेकिन बाद में गाइस पता चलता है कि ये उनका एक छोटा सा कंपैरिजन अपडेट था, उनका पास्ट का एंड प्रेजेंट टाइम में वो किस तरह के दिख रहे हैं उसका कंपैरिजन अपडेट था। हालांकि इस बार आप लोग देख सकते हो कि भाई वो प्रेजेंट टाइम में किसी शो के लिए तो प्रेप कर रहे हैं एंड बहुत जल्दी गाइस ये वो पता लग भी जाएगा, लेकिन अभी तक गाइस साइलेंटली वो प्रेप करते हुए आ रहे हैं। ना ही उन्होंने अपना फिजिक अपडेट दिया, ना ही कुछ वो बता रहे कि किस शो में कॉम्पीट करेंगे आखिरकार। सो लेट्स सी कब तक वो कंफर्म करते हैं। नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने आईएफबीपी प्रो निशांत बंसल या फिर आप लोग बोल सकते हो सुपर सैम भाई के बारे में। तो उन्होंने गाइस अपना प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक अपडेट है उसको गाइस शेयर कर दिया है। एंड आप लोग देख सकते हो मैं इस अपडेट को क्या ही बोलूं भाई, ह्यूज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिजिक भाई सुपर सैम भाई के, एंड इसके आगे तो मेरे को कोई वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं। एंड आप लोग देखो कि किस तरह के वो दिख रहे हैं सुपर सैम भाई, एंड भाई कितना ज़्यादा उन्होंने इंप्रूवमेंट अभी वो कर चुके अपने फिजिक को लेके, एंड अभी तो और भी ज़्यादा वो वर्क करने वाले हैं, चेंजेस करने वाले हैं, क्योंकि सेप्टेम्बर या अक्टूबर के अराउंड वो कॉम्पिटिशन खेलेंगे। एंड लेट्स सी गाइस वो फर्स्ट कॉम्पिटिशन के अंदर किस तरह के दिखते हैं इस बार। बाकी आप लोग को ये वाला जो फिजिक अपडेट है सुपर सैम भाई का कैसे लगा कमेंट करके बताना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज के अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मनोज पाटिल भाई के बारे में। तो रिसेंट में उन्होंने एक अपडेट शेयर किया है, एंड भाई इसको एज्यूम करके चलते हैं प्रेजेंट टाइम का अपडेट है, क्योंकि अगर ओल्ड अपडेट होगा तो मेरे को पता भी नहीं, बट आप लोग देख सकते हो अगर ये प्रेजेंट टाइम का अपडेट है तो काफी अच्छे एंड काफी मैसिव दिख रहे हैं। उनकी चेस्ट में फुलनेस राउंड शेप आप लोग को शोल्डर में देखने को मिलेंगे, मिडिल एरिया भी आप लोग को काफी अच्छे से विजिबल होगा। एंड अगर मनोज पाटिल भाई के ये प्रेजेंट टाइम का अपडेट है तो काफी स्टिल अच्छे दिख रहे हैं, एंड अभी तो ऑलमोस्ट 1 month बाकी है दिल्ली प्रो शो के लिए। एंड इस बार लगता है कि भाई जो वो ओवरऑल साइज है अपनी बॉडी फ्रेम पे उसको गाइस ऐड करके आएंगे, एंड उसके साथ में देखते हैं कि किस तरह की कंडीशनिंग एंड एस्थेटिक फिजिक्स को वो लेके आ पाते हैं। एंड नाउ गाइस अब बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले फिलहाल में बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहे एथलीट के बारे में, एंड इनसे मिलिए। इनका नेम है जैक ब्रावो, एंड ये थाईलैंड के रहने वाले बॉडी बिल्डर है। एंड प्रेजेंट टाइम में उनका जो फोटोशूट मैंने अभी आप लोग को दिखाया था वो काफी लोगों को पसंद आ रहा था, एंड ऑब्वियसली उनकी जो फिजिक है वो भी बहुत ज्यादा लोग उनको अप्रिशिएट एंड प्यार दे रहे थे उसके लिए। एंड मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैक ब्रावो क्लासिक फिजिक डिवीजन के एथलीट हैं, सो उससे वो कॉम्पीट करते हैं। एंड फिलहाल में तो गाइस जैक ब्रावो की तरफ से इनके नेक्स्ट शो कब तक ये खेल पाएंगे, क्या प्रेजेंट टाइम में अपडेट है वो अभी तक उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया,
बट भाई जो उनके फोटोशूट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा अप्रिशिएशन एंड प्यार ले जाते हैं ऑडियंस से। एंड गाइज आप लोग को इनकी ये वाली जो फिजिक थी जो मैंने आप लोग को दिखाई थी कैसी लगी कमेंट करके आप लोग मुझे बताना। सो गाइज आज के वीडियो में तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर जो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और भी जरूर से प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइज।